बात करनी है वो दी थी वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का सीन ऐसा है कि कुछ मिनट पहले जो आमिर माजिद ने एक स्टोरी डाली है कि वो जम्मू कश्मीर से मतलब यहाँ पे लद्दाख राइड के लिए जा रहा है। सो उसने बोला था कि पुंछ वाली साइड से जाऊँगा, तो हम अभी सुंदरबनी के लिए स्टोरी डाली थी कि हम आने वाले हैं। सो सीन ऐसा है कि उसने एक बार इंडियन आर्मी को गाली निकाली थी, तो देखो भाई अब क्या होता है, लोंडे सारे जो आगे इकट्ठे हो रहे हैं। तो भाई अपना काम यही है कि वो सॉरी बोलेगा तो यहाँ से आगे जा पाएगा, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगा सीन। बाकी देखते हैं आगे, चेक करते हैं भाई। थोड़ी देर में आमिर माजिद आने वाला है और तबाही होने वाली है, ठीक है, रेडी रहो। यहाँ पे बाइक चेक कर लो, सारी इकट्ठी हुई है। बस आमिर माजिद का वेट हो रहा है और यहाँ पे क्राउड देखो, मतलब बंदे इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं, फिर देखो क्या सीन होता है। यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए और नाका वगैरह जो हमने लगवा दिया, अब इसको रोकेंगे और इसको बताएंगे कि आर्मी को गाड़ी निकालने का नतीजा। गाइस पुलिस वालों ने यहाँ से हमें भगा दिया, कर रहे हैं यहाँ पे, तो पुलिस वालों ने अपने वो भगा दिए यहाँ से। आगे देखते हैं क्या सीन होता है। क्राउड तो काफी ज्यादा हो गया था यहाँ पे। भाई आमिर माजिद आ गया, भाई आ गए, आमिर माजिद आ गया। बात करनी है, बात करनी है, बस आई भाई। माफी मांग, माफी मांग, माफी। आर्मी को गाली दी थी वे तूने।
वो हमने दी थी एक टेम्पू में बंदा था, वो बंदा गफा दे के बोलता कहता ये चूतिया गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने कहा मैंने भी गफा दे दी पर आर्मी वाले को अच्छा नहीं लगता। वो हमारे मैंने ट्रिम की थी नहीं फिर वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। वो अच्छा नहीं लगता भैया, अगर ये चीज का पता होगा मैंने ट्रिम नहीं की थी, ट्रिम की थी आमिर भाई। हम दिल से सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको भाई, आप जो आज हो आज इनकी वजह से हो, इनकी वजह से हो। किसकी वजह से हो? इनकी वजह से हो तो आपको वो चेंज नहीं करना चाहिए ना। बोलना चाहिए लेकिन आपने अपने चैनल से वीडियो डिलीट की यार। डिलीट नहीं की, आप खाओ भगवान जी के मैंने चैनल से वो वीडियो हटा रहा। हमने आपका पेज खोला उधर वो वीडियो नहीं देखी, अगले दिन वो वीडियो सारी बोलते चले पहले बात सुनो। इंडियन आर्मी के लिए सॉरी, बट इंडियन आर्मी को मैंने बोला ही चलो सॉरी बोल दी। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई किसी भी धर्म के लिए बोलेगा वो कोई नहीं सुनता, कोई किसी भी धर्म के लिए बोलेगा नहीं सुनेगा। इंडियन आर्मी को कोई कुछ बोलेगा नहीं सुनना, जो कुछ मर्जी हो जाए। कर्नल भैया बात सुनो, इधर इधर से सबसे बड़ी बात है ये लड़का हमारे जम्मू का है, जम्मू का सपोर्ट कर रहा है, जम्मू का सपोर्ट है। हम सपोर्ट करेंगे भाई, क्यों आप हमारे जम्मू के होंगे और दिल से सपोर्ट है। हम ये चीज बिल्कुल नहीं सहेंगे। बहुत थोड़ी भाई का किधर हुआ सॉरी, भी मेरे सॉरी कहने से भी कम है भाई। वो बंदे उनके कारण हम यहाँ रह रहे हैं। मैं पैंगोंग जा रहा हूँ, अगर हमारे जवान नहीं होते मैं पैंगोंग ही नहीं जा पाता। नहीं वो बस यही बात है, लेकिन बस उनके लिए इज्जत है। बस 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 यही बात है भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया करो साइड, जो चीज क्लियर हो जाए वो चीज बहुत बैटर है। क्लियर नहीं होती तुम्हें कहीं और जो चीज। जय श्री राम, 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 जय
तक याद रहेगा। बोला था ना माफी मंगवाएंगे और मंगवा दी। नागा भी है और आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। भाई पुलिस वालों ने रोक लिया। क्राउड चेक करो वहाँ पे, आमिर मस्जिद को पकड़ लिया, वो बीच में इधर उधर लगी है पीछे उसके, वहाँ पे क्राउड चेक करो। ठीक है, आपने जो ब्लॉग देखा पीछे मतलब जो भी वगैरह सीन हुए थे, तो आमिर मस्जिद ने जो इंडियन आर्मी को गाली निकाली थी, हमने तो इतना ही बोला था कि सॉरी बोलते हैं, थोड़ा ड्रामे कर रहा था लेकिन बोल गया सॉरी, लेकिन यही सीन थे। बाकी जय श्री राम के नारे लगाया, तो अगर आप हिंदू हो तो एक लाइक बनता और इंडियन आर्मी के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।